नीचे डांडिया हो रहा था, फैसल भी गा रहा था उसमें, मैं अपने कीबोर्ड बजा रहा था। इंडिया को हमने बहुत करीब से देखा है। कोई फैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं? तो जब मैं उनके दरवाजे के पास गया तो उन्होंने शीशा खोला, कहते सर आपका ही गाना सुन रहा हूँ। Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. इस पूरे प्रोग्राम करने की सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो तमाम लोग जिनको मैंने सुना हुआ है, जिनको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ थी, आज मुझे चांस मिलता है कि मैं उनके साथ बैठूँ और बात कर सकूँ। तो आज मेरे पास एक और ऐसी ही प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है, दैट आई हैव द ऑनर ऑफ सिटिंग विद बिलाल मकसूद। आई डू नॉट थिंक कि मुझे कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। What I will say is ke I'm so grateful to him and Faisal and Strings and you know everybody who was involved in this journey, kyunki thanks to them Pakistan audience ke paas gaane hain jo apni playlist mein add kar sakte hain and they don't need songs from other areas. Assalamu alaikum Bilal, kaise hain? Assalamu alaikum. Main thodi si confused awaaz mein bhi lag rahi hungi bhi kyunki maine jab main aapke concerts attend karti thi kabhi nahi socha tha ki ye time aayega that is tarah aapse baat cheet ho rahi hogi. नहीं, थैंक यू, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। सो यू कैन इमेजिन कि मैं एक्साइटेड भी हूँ। आखिरी कॉन्सर्ट कब देखा था हमारा? सच बताओ, सिंगापुर में। ओह यस, अच्छा। और हम फ्रंट की सीट पे थे और इतना मजा आ रहा था क्योंकि, और इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक पाकिस्तानी थे लेकिन फर्स्ट टू रोज में सिर्फ पाकिस्तानी थी एंड द रेस्ट ऑफ द क्राउड वॉज ऑल इंडियन बिकॉज वो इंडियन कंपनी ने कराया हुआ था। एंड जो उसमें आवाज गूंज रही थी जब आप लोग गा रहे थे, जब आप लोग म्यूजिक खत्म करके यू वुड पुट द माइक टुवर्ड्स द क्राउड, वो इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। दो दफा आए थे उसी वेन्यू पे, ये सेकंड टाइम था? सेकंड टाइम यस। एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे कॉन्सर्ट्स, दोनों बहुत अच्छे। आई थिंक फर्स्ट वाला शायद मैं नहीं अटेंड कर सकी थी, सेकंड वाला मैंने किया था। सो आई रिमेंबर कि मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि फ्रंट सीट, आई वाज लाइक वाओ ये तो आज ईद हो गई है मेरी। सही, तो लाइव सुन रहे हैं आपको बहुत अरसे बाद और वो भी फ्रंट पे। बट हाउ आर यू? मैं खुश शुक्र, बट डू यू रियलाइज बिलाल, कभी आपको लगता है, कभी ये सोचा आपने कि जब भी पाकिस्तान म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आपका नाम लिखा जाएगा? कभी स्कूल बन गया जिसमें इतनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा हो तो आप लोगों का जिक्र होगा, आप लोगों का रेफरेंस दिया जाएगा कभी? अल्लाह करे हो जाए। बिल्कुल होगा, पता नहीं। नहीं, स्कूल का कह रहे हैं या जिक्र का कह रहे हैं? मैं जिक्र का कह रहा हूँ, स्कूल में अगर कोई कभी कोई टेक्स्ट बुक हो जिसमें पाकिस्तानी म्यूजिक की हिस्ट्री हो और अगर हमारा नाम हो तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल होना चाहिए। मैं मतलब इट्स मेरी तो सोच से बाहर है कि क्यों नहीं होगा। एवरी टाइम आप लोग आए, आपने एक रेवोल्यूशन, एक डिफरेंट चीज़ लेकर आए म्यूज़िक में, यूथ को बड़ा आपने थॉट दी, डायरेक्शन दी, मुझे लगता है। सो मेरे लिए तो आइकॉनिक है आप लोग। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है कि स्कूल की टेक्स्ट बुक में पाकिस्तानी म्यूजिक का कोई चैप्टर हो। ये बहुत आपने सही बात बोली, तो इसीलिए मैंने कहा म्यूजिक स्कूल, अगर जैसे हम अच्छा विश करते हैं कि नापा के साथ साथ एक और एक एक्टिंग स्कूल हो जाए, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा म्यूजिक का प्योरली यू नो पॉप म्यूजिक से रिलेटेड उस जॉनरा में हो तो बिल्कुल। बस चलें शुरू करते हैं बातचीत, गुफ्तगु। आप बताएं थोड़ा सा आपके बारे में, कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? मैंने मैट्रिक किया था BVS पारसी स्कूल जो है, और मेरे पूरा ख़ानदान वहाँ गया था, मेरे सारे कज़न्स, मेरे मामू और मिसेस मिस्ट्री जो होती थी हमारी प्रिंसिपल, तो उनका इंतकाल हो गया, तो मेरे मामू की भी प्रिंसिपल वो थी, फिर मेरे जो बड़े कज़न्स हैं यानी वो कज़न्स जो अब 60+ के हैं उनकी प्रिंसिपल भी वो थी, हमारी प्रिंसिपल भी वो थी, और फिर जो हमारी एक यंगर जनरेशन स्कूल में गई उसकी प्रिंसिपल भी वो थी। तो एक बहुत बड़ा लॉर्ड ख़ानदान का BVS से निकला, देन आई जॉइन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। सॉरी यहाँ रुक के एक बात पूछ लो, तो वो अच्छा था या बुरा था कि शी न्यू एवरीबडी, तो वो प्रेशर भी होगा और थोड़ी धमकी का भी होगा कि यार कुछ कर नहीं सकते? बहुत बहुत प्रेशर होता था, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था और कोई चीज गड़बड़ होती थी तो घर वालों को फौरन पता होता, पूरे खानदान को पता, पूरे खानदान को पता, एक को नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। कि एक दफ़ा मैं एक टेस्ट में फेल हो गया था उर्दू के और अब आप उर्दू के गाने लिखते हैं। तो मेरे कज़न आए अपने किसी बच्चे के लिए, वो प्राइमरी में थे, तो मेरे उर्दू की टीचर ने उनको दूर से देखा, उनको पता था कि ये बिलाल के कज़न है, उनको बुलाया और मेरी ये कारनामे, हाँ कारनामे दिखाए कि ये देखें, ये अनवर मकसूद के बेटे हैं, ये देखें। तो
खैर ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता है। चलिए आप कंटिन्यू करें कॉलेज। फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, फिर वहाँ से इंडस वैली मैंने ज्वाइन किया, कम्युनिकेशन डिज़ाइन फ्रॉम इंडस वैली। सो यू एवर थॉट अबाउट गोइंग टू एनसीए? बिकॉज बड़ी चॉइस तो एनसीए होती है सबकी। एनसीए ही जाना था, एनसीए जाना था स्पेशली उस जमाने में। हाँ, लेकिन इंडस वैली खुला नहीं था। एक दिन अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक नया स्कूल खुल रहा है और उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें जो नाम थे, शाहिद सज्जाद साहब, अकील बिरगाम साहब, शाहिदुल्लाह साहब, तो ऐसे नाम थे। मैंने कहा कि अम्मी मुझे इसी स्कूल में जाना। अच्छा, घर वाले भी ज़रा से परेशान क्योंकि स्कूल बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं था उस तरह, और अभी तो पहला बैच भी नहीं आया था, और मैं सेकेंड ईयर के, मैं बी कॉम पार्ट वन छोड़ के मैं यहाँ आ रहा था। तो ये भी था कि तुम बी कॉम तो कर लो। मैं कहा बी कॉम करके करना क्या है, जो मुझे करना है वो मेरे सामने है। खैर मान गए और फिर मैंने इंडस वैली ज्वाइन किया। तो आप फर्स्ट बैच थे जो ग्रेजुएट किया? फर्स्ट बैच था, और वो मैंने सुना बहुत अच्छा, मतलब बड़े अच्छे टीचर्स थे तब, अभी भी हैं आई एम श्योर, बट वो जमाना जो हर इंस्टीट्यूशन में यही होता है कि पहले का जमाना अच्छा था। हर दफ़ा देखिए, जब एक इंस्टीट्यूट होता है और उसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं और जो लोग जिन्होंने बनाया है वो कभी स्कूल ख़राब हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स, या एंड वी होप सो। या तो उसके बाद देन आप यू स्टार्टेड वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फिर मैंने ब्लेज़ॉन में, व्हाइल आई वाज इन माय फोर्थ ईयर, आई स्टार्टेड वर्किंग एट ब्लेज़ॉन, क्योंकि जो खातून मुझे अच्छी लगती थी, मैं कहा था कि मुझे इनसे शादी करनी है। वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, टीना, शी इज़ माई वाइफ नाउ। तो मैं कहा कि काम के, पढ़ाई के फौरन बाद एक नौकरी होनी चाहिए और तो मैंने एक साल पहले से काम शुरू कर दिया था। और फिर जब मुझे डिग्री मिली तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं नौकरी का भी जंप था, फिर एक और बेहतर जगह हुई और फिर हमारी शादी हो गई। सो मोटिवेशन वो काम या एडवर्टाइजिंग की अट्रैक्शन वो नहीं थी, मोटिवेशन थी कि मुझे शादी करनी है। हाँ, और वो भी इनसे करनी है, तो ये चीज़ें सेट आउट हूँ पूरी लाइन। आई एम जस्ट सो ग्लैड यू वर सो क्लियर इन योर फोकस, बहुत क्लियर था। ठीक, फिर ब्लेज़ॉन के बाद आई जॉइंड स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग, फिर वहाँ से एक नया प्रोडक्शन हाउस खुला था, पिरामिड प्रोडक्शन, जो कि रोहेल के साथ जो इंटरफ्लो की सिस्टर कंसर्न थी उनका प्रोडक्शन हाउस था। तो रोहेल मेरा बॉस होता था, रोहेल हयात, और वहाँ पे मैं दो तीन साल काम किया। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब स्ट्रिंग्स को पहली डील मिलने वाली थी पेप्सी से बैक इन 1992, और सब कुछ हो गया था, यू नो, फाइनल पेपर वर्क रहता था, सर किए पहाड़ वाज अ ह्यूज हिट एट दैट टाइम। और जो एंड दिस इज, आप ये बात कर रहे हैं 92 की, ओके, दिस इज बिफोर इंडस वैली। सर की पहाड़ तो उस वक्त आपने किया, बीच की 90, ठीक है, इस वक्त आपने काम नहीं स्टार्ट किया, काम नहीं स्टार्ट, ओके, ठीक है, वो डील होने वाली थी। हाँ, तो बस साइन होने वाला था और पता ही चला कि इस्लामाबाद का कोई बैंड है आवाज, जो कि रोहेल के जानने वाले हैं और रोहेल उनको लेकर आ गए हैं और उन्होंने वो साइन करवा लिया। तो जो हमारा जो स्पेस थी, वाइटल साइंस एक बड़ा बैंड था, उनको एक दूसरा बैंड चाहिए था, वो स्ट्रिंग्स था। तो हम बहुत छोटे बैंड थे उस वक्त, लेकिन हमारा गाना हिट हुआ हुआ था, तो वो जो स्पेस थी वो आवाज़ ने ले ली। ओह गॉड, और हमने कहा यार ये रोहेल है यार, क्या कौन है यार, ये कौन यार, इसने क्यों किया ये। और अब 2000 के बाद, यानी 2000 में जब मैंने पिरामिड प्रोडक्शन ज्वाइन की, रोहेल मेरे बॉस थे, और रोहेल की जो सपोर्ट थी एल्बम दूर बनने में, मतलब वो इमेंस थी। उन्होंने सारे आपके शिकवे दूर, सारे शिकवे दूर कर दिए। इस तरह के फैसल भी वहीं पिरामिड में काम कर रहा था, और रोहेल ने हमें कहा था कि तुम लोग जितना इक्विपमेंट है यहाँ का सारा यूज़ करो, कैमरे यूज़ करो, स्टूडियो यूज़ करो, सब कुछ करो। हमने वहाँ बगैर कुछ खर्चा करे एडिटिंग की, सब कुछ किया। और फिर हमने एक दिन रोहेल को बोला कि बस कल से हम जॉब पे नहीं होंगे क्योंकि हम नौकरी छोड़ रहे हैं
और अपना बैंड आगे लेके जा रहे हैं. वाओ, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो डील छुड़ी थी फिर उधर ही उसी बंदे के थ्रू आपको. और एक और इसी तरह की चीज़ है कि जब हम कॉलेज में थे, फैसल में साथ थे, तो खालिद अलवी होते थे, हमारे सीनियर होते थे, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज कराया था. ठीक है. और उस शो में फैसल और मुझे परफॉर्म करना था. हम लोग तैयार, मैं अपना वो लॉन्ग कोट पहना हुआ था, हाथ में छोटा सा कीबोर्ड था, और उस इवेंट पे पता नहीं कौन गाने आ रहा था, शायद सज्जाद अली थे या कौन थे, जो भी थे. हम कॉलेज के दो लड़के थे जिसको ओपन करना था. तो 5 मिनट पहले, स्टेज पे जाने से पहले, हमें आके पता चला कि आप लोग नहीं जा रहे. खालिद अलवी आए कि अब आप लोग नहीं जाएं, अभी कुछ नहीं हो सकता, शो शुरू हो रहा है, ये किसी और दिन करेंगे. ओह गॉड. फैसल मैं सोचा कि अब हम अपना बैंड बनाएंगे और हम सबको बताएंगे कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं. ये सब हो गया. जो मैं पहली डील मिली पेप्सी की बाद में 2003 में, उस वक्त MD खालिद अलवी थे. वाओ. ओके. तो देखें कैसे फुल सर्कल ना. फुल सर्कल. आई नो. बाद में जाके वो आप दोनों क्या नजरें मिला के आपके फैसले क्या एक्सचेंज हो रहा होगा, घर में जाके क्या बोल रहे थे. देखिए खालिद अलवी, हम उसके बाद इन टच रहे. हम लोग बहुत खालिद अलवी से इन टच रहे, लेकिन अब तो वो तो कोई मार्केटिंग जायंट है पाकिस्तान के. और सो इंटरेस्टिंग, आपने ना मज़े की कहानियाँ सुना रहे. और मैं आपसे क्वेश्चंस मेरे जो थे ना, उससे पहला सवाल मेरा पहला या दूसरा सवाल ये था कि आपकी ना वो बैंड्स में बड़ी फेरी टेल टाइप की स्टोरी लगती है, जो मैंने जितने इंटरव्यू सुने कि कभी कोई लगता ही नहीं कि चैलेंज या डिसअपॉइंटमेंट या मुश्किल आई हो, लेकिन अभी तो दो आपने बता दी. सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर यू गाइज. नहीं, नॉट एट ऑल. ये धचका लगता है, मतलब परफॉर्मेंस से बिल्कुल पहले दो यंग लड़कों को बोले जो इतने जोश से बेचारे कि आप नहीं जा सकते. एंड आई कैन सी कि वो शेप कर रहा था आप लोगों के एम्बिशन को, ये सब चीज़ें. हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी जर्नी को ट्रिगर करती रहती हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, छोटे छोटे डिसीजन आप लेते हैं, आपको नहीं पता उसके आगे क्या रखा है आपके लिए. लेकिन यही है कि आप उस पॉइंट पे क्या डिसाइड करें, इधर जाना है या इधर जाना है, ये सबसे ज्यादा ये मैटर करता है. तो कॉमर्स कॉलेज में आप दोनों साथ थे. हाँ. फैसल और आप जी. और वो एक बेंच पे बैठे हुए थे जब वो सामने कोई स्केच सा आया जिसमें म्यूजिक बना हुआ था, वहां से कनेक्शन. मैं ड्रॉ कर रहा था. आप ड्रॉ कर रहे थे. तो किसने किसको अप्रोच किया पहले, कैसे हुआ? फैसल ने कहा ये तुम्हें, ये जो तुम बना रहे हो तुम्हें शौक है ये सब? तो मैंने कहा मैं गाने कंपोज करता हूँ. उसने कहा मैं गाता हूँ. तो वहाँ मैंने कहा अच्छा, तो तुम आओ मेरे घर पे, हम लोग जैम करते हैं. गाने बने हुए बहुत सारे. फैसल आया और फिर हम हफ्ते में एक आध दो दफ़ा हम लोग गाने ने बनाते थे. फिर कॉलेज वालों को पता चल गया कि ये लोग करते हैं, और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई. हमने कॉलेज के इवेंट्स पे गाते थे. तो सबसे पहला कब आप दोनों ने साथ परफॉर्म किया और क्या सिचुएशन थी? डर लग रहा था की जो पहली थी परफॉर्मेंस वो कॉलेज का ही फेयरवेल शो था. सो स्ट्रिंग्स से भी पीछे, मतलब पहली बार जब बिलाल और फैसल ने किसी के सामने परफॉर्म किया, वो कब था, वो क्या टाइम था और कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस था वो? मत पूछो. क्यों? मुझे पूछना है, मुझे लगा कि क्योंकि ये स्ट्रिंग्स से पहले वाली बात. एग्जैक्टली, इसीलिए पूछ रही हूँ. स्ट्रिंग्स तक तो आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस करके आ चुकी होंगे ना. मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना बताना चाहूँगा. नहीं, देखें ये कहानी है, जर्नी, और लोगों को इंस्पायर करेंगे ना. मैंने अभी इतना अच्छा इंट्रो दिया है कि आप ये ऐसी चीज़ें इंसान भूल जाना चाहता है. लेकिन देखें जिस वक्त जो इन ऐसे बहुत से लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी तो उन्हें उम्मीद होगी. एक फैसल के सामने वाली बिल्डिंग में फैसल के दोस्त रहते थे, आ खानी, और नीचे डांडिया हो रहा था. ओके. तो मैं कीबोर्ड बजाता था, फैसल ने कहा कि आ जाओ मज़ा आएगा. मैं चला गया और अच्छा, हमें बस एक की गाड़ी थी तो मुझे याद है मैंने अब्बा से कहा था आप मुझे छोड़ दें वहाँ पे. और फिर मुझे कोई वापस छोड़ देगा. ठीक है. तो खैर मैं चला गया. तो वो एक स्टेज था, वो अपार्टमेंट्स थे उनके,
कंपाउंड में डांडिया हो रहा था और वो एक आखानी बैंड था, फैसल भी गा रहा था उसमें और मैं अपने कीबोर्ड बजा रहा था, अच्छा गिटार नहीं बजा रहा था, कीबोर्ड बजा रहा था। ओके, यू मेंशन इट ट्वाइस कि आप कीबोर्ड बजा रहे होते थे उस वक्त। और फिर वक्त 11 बज गए, 12 बज गए, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर किसी ने कहा, बिलाल आपके अब्बा हैं बाहर। उसे बिलाल ने क्या सोचा, जमीन खुले चला जाऊं। तो फिर मैंने देखा गेट पे अब्बा खड़े, मैंने कहा अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ। मैं अपना कीबोर्ड उठाया वहाँ से, अब्बा से नजरें मिलाई, कोई बात हुई? अब्बा बहुत कूल थे, अब्बा से परेशान, बेचारे परेशान थे ना, फोन वोन तो कुछ नहीं होता था। मैंने कहा था मैं 11 आ जाऊंगा और अगर एक बज रहा था रात का तो वो सिर्फ चेक करने आया था कि हुआ क्या। तो उन्होंने देखा मैं डांडिया की म्यूजिक बजा रहा था। कुछ कॉमेंट तो दिया होगा उन्होंने, स्मार्ट कुछ जुमला तो बोला होगा, मजे का जुमला? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ बोला भी तो याद नहीं, लेकिन परेशान थे तो क्या बेचारे बोलते उस वक्त। अच्छा तो कॉन्सर्ट सबसे पहला था क्या था, उस पे कोई इंटरेस्टिंग प्रॉपर कॉन्सर्ट या स्ट्रिंग्स का या प्री स्ट्रिंग्स? प्री स्ट्रिंग्स से स्टार्ट करते हैं, फिर स्ट्रिंग्स से भी आएंगे। तो वो भी कॉलेज का ही था और उस वक्त स्ट्रिंग्स का नाम नहीं था, लेकिन हम चारों साथ बजा रहे थे जो इनिशियल चार लोग थे। और उसी इवेंट पे हमने नाम सोचा था बैंड का, क्योंकि जो होस्ट थे उन्होंने पूछा कि जल्दी बताओ कोई नाम है, तो हमने कहा कि आप चलो स्ट्रिंग्स बोल दें। बाद में कभी नहीं सोचा चेंज कर लें? यू वर हैप्पी विद इट? नहीं, मैं हमेशा हमेशा सोचा कि कुछ और होना चाहिए था, स्ट्रिंग्स नहीं होना चाहिए था, बट कुछ और मिला, कुछ उर्दू में होना चाहिए था। तो क्यों नहीं कभी चेंज करने का सोचा बाद में? फिर देर हो गई। ओके, सो दिस इज हाउ आप दोनों का सफ़र स्टार्ट हुआ और फिर आप लोगों ने करना शुरू किया। तो उस वक्त बस ऐसे ही प्ले कर रहे थे, ये नहीं था जहन में कि हम इससे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ब्रेक ली फिर सर किए पहाड़ से बिल्कुल पहले, राइट? सर किए पहाड़ के बाद, सर किए पहाड़ ब्रेक तो पहले ली थी, रिलीज आपने दाना तब किया था। हाँ, सर किए पहाड़ रिकॉर्ड करने के बाद फैसल पढ़ाई करने चले गए थे अपने। सो वाज दैट द रीजन फैसल और आप नहीं उस वक्त रुकना चाह रहे थे या कभी नहीं, सोचा मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और म्यूजिक कभी हमने सोचा नहीं था 92 में कि हमारा प्रोफेशन होगा। हमने हमेशा एक हॉबी की तरह उसको सोचते थे और मुझे हमेशा एडवर्टाइजिंग में ही जाना था और मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी। ये तो 2000 में आके डिसाइड किया कि अब हमें म्यूजिक फुल टाइम करना है, उससे पहले कभी ये वो प्लान ही नहीं था। तो 2000 में क्या ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि आप एडवर्टाइजिंग में तो ऑलरेडी थे? हम डिसीजंस ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, ऐसे लेते हैं। फैसल और मैं हमेशा हम ज़्यादा सोचते नहीं थे, जब सोचा कि बस अभी ब्रेक लेनी है, सर की बात रिलीज करके मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो, फैसल चला गया, हमने एक 5 मिनट लगे होंगे, हम डिफेंस फेज वन में स्पिंजर वहाँ है, हम वहाँ बैठे हुए थे एक शो के बाद हम आ रहे थे और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि बस ये आखिरी शो था, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। उसी तरह हमने एक शो के बाद डिसाइड किया कि आज स्ट्रिंग्स ख़त्म है, 5 मिनट में लगा। वाओ, आई एम अमेज्ड एंड आई एम इंप्रेस्ड। आई विश के डिसीजन मेकिंग इतनी आसानी हो, लोग तो सोचते रहते हैं फिर कहीं जाके रिप्रिकॉशंस का बहुत सोचते हैं, आदत हो जाती है चीज़ों का, उसका बहुत सोचते हैं। अच्छा तो सर की ये पहाड़ जब आप एल्बम निकाल रहे थे, वॉज द वन सॉन्ग जो आपने एल्बम में नहीं ऐड किया था, फिर जब रिकॉर्डिंग कंपनी से कॉल आई कि भाई वो 6 मिनट रहते हैं, एक गाना और चाहिए, तो आपने वो भेजा, तो वो बेचारे गाने ने क्या किया था कि आपने उसको शामिल नहीं किया हुआ था? वो वॉज द रीज़न एंड इमेजिन द आयरनी कि वही। हाँ, क्योंकि वो गाना का सिर्फ एक इनिशियल पार्ट बना हुआ था, पूरा नहीं बना था, और जब वो पार्ट मैंने फैसल को सुनाया जब 6 मिनट, तो वो फैसल के लिए बहुत हाई था। और उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी गाऊंगा, मैं हमेशा हारमोनीज करता था, तो फैसल ने कहा अगर तुम्हें गाना ये गा दो, वैसे ही फिलर था तो लेकिन जब गाया तो फिर सब ने यही कहा कि इसको तो पहला गाना होना चाहिए एल्बम का। तो बस वो ही ना, बस एक आई नो आई मैं तो आपके अभी इवेंट सुन रही हूँ तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, यू नो लाइक वो कहते हैं ना डेस्टिनी एंड किस्मत एंड वो सब चीज़ें, बड़ी वो लग रहा है कि जर्नी था।
तो अबू की तरफ से कभी भी नहीं हुआ कि लिखो, कभी उन्होंने नहीं, उनको हुआ कि वो लिखते थे तो आप भी लिखें? आपको कभी फील नहीं हुई ये बात? नहीं, मेरे ख्याल से बेहतर है, घर में कोई एक काम करता है वो एक ही को करना चाहिए. मैं तो मेरे ख्याल से बेहतर हुआ मेरे लिए कि मैंने लिखने की साइड पे नहीं आया, वरना वो जो कंपैरिजंस होते हैं अभी जो एक्टर्स के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन उनके अब्बा के साथ हमेशा वो बच्चे अंडर प्रेशर ही रहते हैं. तो मैं अगर बुरी म्यूज़िक की अच्छी की, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आपने अपने अब्बा की तरह कब होंगे, कब उस तरह लिखेंगे. मैं तो म्यूज़िक करता. लेकिन आप लिखते तो हैं? नहीं, मैं नहीं लिखता, मैं गाने लिखता हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो भी लिखना तो हुआ, तो कभी नहीं ख्याल आया कि स्क्रिप्ट लिखें या कुछ करें? Because you write very well. नहीं, ख्याल आया, कभी नहीं ख्याल आया. ओके, बिल्कुल भी नहीं. तो फैमिली में आपको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी जब आपने इस फील्ड में जाने का सोचा? और ये तब नहीं, म्यूजिक के लिए मुझे कभी किसी ने नहीं रोका. ओके, नॉट योर पेरेंट्स, बट आपने इंटरव्यू बोला था योर एक्सटेंडेड फैमिली. हाँ जी, वो था जब पहला वीडियो विच वॉजेंट सर की है, उससे पहले 89 कोई पहला वीडियो था PTV या तो वो था यूथ फेस्टिवल, कराची TV का एक शो था. उस में हमने एक गाना बजाया था, वो हम लेके गए थे मेरी दादी के पास और बजिया के पास. तो अब्बा बहुत खुशी खुशी लेके गए थे. तो जब उन्होंने देखा तो बहुत नाराज़ हुए. बजिया? हाँ, बजिया. उठ के चली गई, कमरे से बाहर चली गई. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिएक्शन आएगा? नहीं. और अब्बा मैं दोनों परेशान थे कि ये क्या हुआ. और तो बजिया ने फिर बाहर हम गए तो अब्बा ने कहा क्या हुआ. तो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान में लिखने का रिवाज है, शेर व शायरी का है, फलां का है. तो मैंने कहा बजिया इसका शौक़ है, मतलब इसमें क्या है. तो खैर उन्होंने कहा कि अगर बिलाल तुम्हें इसको करना ही है तो एक डिग्निफाइड तरीके से करो और हमें कभी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े. तो वो कभी फिर बजिया ने कभी कुछ सुन के तारीफ़ की, कभी ऐसा टाइम? हाँ, फिर 2008 की बात कर रहा हूँ, कोई आने वाला है कि रिलीज़ थी, उसमें बजिया आई. तो उस वक्त मैंने कहा कि चलो सब सही हुआ. पिछले कितने साल, 20 साल, 2008, 20 साल की मेहनत. देयर मस्ट बी अ बहुत बड़ा मोमेंट होगा आपके लिए कि वो आई. और मतलब इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम हर साइड कि आपके टैलेंट, आपके काम का. सो आई कैन इमेजिन कि वो कितना बड़ी चीज़ होगी आपके लिए. बचपन से आपको था कि मुझे यही करना है, म्यूज़िक ही एक्सप्लोर करना है, या ये नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे बचपन से तो था कि मुझे बैंकर बनना है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मामू बैंकिंग में थे, फिर मेरे बड़े कज़न बैंकिंग में थे. फिर एक पॉइंट में आके हुआ कि नहीं, मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है. फिर मैंने इंडस वैली ज्वाइन किया. इंडस वैली के बाद बैंड साथ साथ चल रहा था, फिर एक ब्रेन वेव आई कि नहीं, म्यूज़िक करना. एक थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल भी है, बट आई फील कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, इन द सेंस आपने काम किया फिर आपने जाके म्यूज़िक को एज अ करियर लिया. अब हम बहुत से यूथ को देखते हैं जो एजुकेशन भी कभी कभी नहीं कंप्लीट होती है, दे जंप इनटू म्यूज़िक या किसी भी एक्टिंग किया. आपको लगता है कि ये जो आपने इतना अरसा काम भी किया, सिर्फ अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट की, मतलब काफ़ी अरसा आपने काम किया, उसकी वजह से आपका क्राफ्ट और इम्प्रूव हुआ है? बिकॉज अगर हम देखें तो ये जो फील्ड होती है इंटरटेनमेंट की, वो एक होलसम फील्ड होती है. उसमें आप जैसे आप एडिट भी कर देख रहे हैं, आप डायरेक्शन को भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आपकी अपनी भी एक सेंस है, तो आप ज़्यादा बेहतर शायद फीडबैक दे सकते हैं या कंटेंट को बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपको लगता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस, या यू थिंक कि नहीं, टैलेंट है सो सही है, बेसिक एजुकेशन करो और जम कर दो इसमें? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये बंदा टू बंदा वेरी करता है. Okay. मेरे केस में डेफिनेटली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आज अगर मैं एक शो वीलो साउंड स्टेशन या कोक स्टूडियो फैसल के साथ अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं,
और उसकी विजुअल आईडी से लेके उसकी साउंड से लेके उसकी एडिट से लेके हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें मेरी एजुकेशन का भी हाथ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं सिर्फ गिटार बजा रहा होता और गाना गा रहा होता तो मैं एक और इंसान होता, लेकिन किसका ज़िंदगी का डायरेक्शन क्या है? आज अगर एक बंदा पॉप स्टार है और उसने अगर फर्स्ट करें ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो टॉप पे हैं जो कि सिर्फ गा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन वही है, उनको वही चाहिए, उनको वो मिल रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ वो नहीं चाहिए था। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ काम कर गई है। बहुत से लोग बहुत पढ़ने के बाद ही म्यूज़िक में आते हैं लेकिन फिर भी बुरी म्यूज़िक करते हैं, तो उसके बाद उनको उस पढ़ाई से भी फ़ायदा नहीं होता, तो वो टैलेंट तो एक मेन चीज़ है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर बंदे बंदा टू बंदा ही है, वेरी करता है। इंडिया में बहुत टूर्स किया आप लोगों ने, इंडिया एक ज़माने बहुत एक ज़माने में बहुत टूर्स की, तो फ़र्क पड़ा कुछ आपको लगता है आपके क्राफ्ट पे, कुछ पिक किया, क्या एक्सपीरियंस था जर्नी में, किस तरीके से आप उस सफ़र को देखते हैं, उस हिस्से को देखते हैं? यानी इंडिया को और इंडियन लोगों को हमने बहुत करीब से देखा है जी, और जो सबसे बड़ी चीज़ हमने डिस्कवर ये की थी कि जो हम हमें बताया जाता था ये वो नहीं है। ओके, बहुत अच्छे लोग थे और जो हमारे कॉन्सर्ट पे आते थे, जो हमारे इंटरव्यूज़ लेते थे, जो जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं बजाने के लिए उसका स्टाफ हो गया, मतलब कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, अगर आप टैक्सी में जा रहे हैं, टैक्सी वाले हो गया, सब बहुत अच्छे लोग थे। और अगर आप उसके बाद हमारे फोरम्स पे भी अगर आप कमेंट्स देखें, इंडियन लोग जो हैं वो क्राफ्ट की तारीफ ही करते हैं, वो उसमें नहीं जाते कि तुम पाकिस्तानी हो फलां हो, नहीं, उस सबसे बियॉन्ड होके बात कर रहे थे। हाँ, अगर पाकिस्तानी म्यूज़िक को इंडियन व्यूज हटा दें तो आधा आधा रह जाएगा इस वक्त। यानी इंडिया के लोगों की बहुत सपोर्ट है। ये चीज़ जो है जो आजकल अगर आप देख रहे हैं जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है ये डेफिनेटली ऊपर आया है मोदी के आने के बाद। जिस तरह ट्रंप के आने के बाद वो जो एक नया टाइप ऑफ अमेरिकन नज़र आए हमें, इसी तरह मोदी के आने के बाद उनको भी शय मिल गई, वो भी ऊपर आ गए। और मीडिया को नेगेटिविटी चाहिए अपने अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी तो मीडिया सब ठप हो जाएगा, सारे न्यूज़ चैनल्स ठप हो जाएंगे, तो हमें ज़्यादातर वही नज़र आ रहा है। और आप देखें, अगर जैसे कोक स्टूडियो के किसी गाने की बुराई होती है तो उसकी बुराई को फॉलो करते हुए वो जो कमेंट्स बढ़ना शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जिस गाने की तारीफ़ हो रही है। क्योंकि लोगों को बुराई सुनने, बुराई करने में, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो एक साइड इंडिया की है जो बहुत अच्छी है और वो लोग अभी भी हैं और जो हमें अब नज़र नहीं आते हैं, तो उस पूरे इंडियन टूरिंग से एटलीस्ट मुझे ये पता है कि वो साइड अभी हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपके क्राफ्ट पे आपने कुछ लर्न किया, डू यू थिंक कुछ पिकअप किया एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट? देखें, इंडिया जाने से कुछ पिकअप नहीं किया, ठीक है। आप पिकअप करते हैं, आप रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो, चाहे आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, आप किसी क्लासिकल उस्ताद को सुन रहे हो, आप रोज़ सीख रहे होते हैं। इंडिया से जाके हमने डेफिनेटली टेक्निकल साइड पे हमने देखा कि कितनी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। यानी पाकिस्तान जो स्टेज है, जो साउंड है, जो साउंड मिक्सिंग है लाइव शोज़ की, वो सब चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पूछ रही हूँ, मतलब जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्ट किया उस वक्त पाकिस्तान में नाम बन चुका था आप लोगों का, राइट? जब स्ट्रिंग्स ने इंडिया का टूर कर रहा था कॉलेज सर्किट, तो आप, सो
आई डोंट इवन नो इफ दैट्स द राइट क्वेश्चन, बट ऐसी जहन में आ रहा था कि इन पाकिस्तान यू वर द स्ट्रिंग्स, बट इन इंडिया बहुत वन ऑफ द मेनी बैंड्स होंगे आप, राइट? नहीं, ऐसा नहीं था. ओके, इन इंडिया वी वर द बॉयज हु सैंग सरकिए पहाड़. ओके, सो व्हेन वी रिलीज दूर एंड वी कॉन्टैक्टेड ऑल द लेबल्स इन इंडिया और हमने कहा कि भाई हम स्ट्रिंग्स हैं, हमारी सेकेंड एल्बम ये थी और अब हमने दूर रिलीज़ किया है. सबका रिप्लाई आया, आर यू द सेम गाइज हु सैंग सरकिए पहाड़? हमने कहा तो जितनी लेबल कंपनीज थी हमने को शायद 22 को अप्रोच किया था, सब ने कहा ये एल्बम हमें दे दो. तो ये वो लोग थे जो उस ज़माने में कॉलेज में थे और आज वो सब लेबल कंपनीज में काम कर रहे थे. ओके, और उनके लिए सरकिए पहाड़ उनकी ज़िंदगी का एंथम था. क्योंकि मैं आपका अगर जर्नी देखती हूँ ना, जो सवाल भी मेरा था एंड आपने इंटरव्यू में भी बोला बहुत जगह कि अपॉर्चुनिटीज़ थी या कुछ था, बट आप लोग बड़े सिलेक्टिव थे, आपने बड़ी सिलेक्टिव चॉइसेस की. जैसे एक जगह आप लोगों ने मेंशन किया कि जब आपने दूर निकाला उस वक्त बहुत भंगड़ा म्यूज़िक आ रहा था, आप लोगों ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट किया बिकॉज यू फेल्ट राइट एंड यू नो चेंजेस कर रहे थे, तो यू हैड योर ओन पाथ. तो मुझे उसी से हो रहा था कि जब आप लोग इतने सिलेक्टिव हैं तो इंडिया में इतने कॉन्सर्ट्स करने का कोई एक रीज़न भी तो होगा, तो इसलिए मेरा ये सवाल था. तो उस ज़माने में इंडिया में हमारी म्यूज़िक जो थी स्ट्रिंग्स की बड़ी यूनिक थी. या एग्जैक्टली, सो माई वॉज लाइक माई क्वेश्चन, माई थॉट वॉज कि यहाँ तो आप ये हैं, वहाँ मुझे लगा शायद इतनी वो नहीं हो, बट आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर भी आप लोग बहुत एक पोजिशन पर. जब हमने रिलीज़ की दूर इंडियन चार्ट्स पे एमटीवी चैनल वी पे 6 महीने नंबर 2 पर आए, क्योंकि नंबर 1 पे अदनान समी हिले ही नहीं. ओके, उनका कौन सा गाना था? मुझे फिल्म का था उसका, नहीं, नहीं, उनका जो इंडिया में पहला निकला, उनका जो पहला एल्बम रिलीज हुआ था इंडिया में वो हिलके ही नहीं दिए. वरना वो भी आप वरना हम नंबर 1 जाते और वो ज़रा सा मास यू नो उसकी अपील थी उस गाने की अदनान समी के, तो वो डिफरेंस भी थोड़ा ज़्यादा था. लेकिन वी स्टेड ऑन नंबर 2 फॉर गुड 6 मंथ्स और फिर उसके बाद दूर के बाद हमने अनजाने रिलीज़ किया. अनजाने सुपर डुपर हिट था वहाँ पे, दूर सुपर डुपर हिट था, तो हम इंडिया के यानी टॉप लोगों में आते थे म्यूजिकली उस ज़माने में. माय अपोलॉजीज फॉर assuming or anything like that which I didn't mean to. So chale shukriya bahut bahut. Mujhe ye bataye, as I said, bahut journey mein selective choices hain, uski koi price kabhi deni padi thi? Is it difficult? Aap jo nayi generation aa rahi hai ya youth hai ya musicians bhi hain, unko kya advice karenge based on your experience aur kuch usme share kar sakte hain aap? मतलब अगर देखूं भी तो कभी आपने लुक्स वाइज भी आप लोग कभी क्रेजी नहीं हो गए, यू नो, कि इसमें आप अपना एक पाथ आपने चूज करके रखा. सबकी अपनी जर्नी है, मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकता. कपड़ों वाइज, शायरी वाइज, टाइप ऑफ म्यूजिक अगर आप देख लें, जो कर रहा है वो सही कर रहा है. यानी अगर उसके पास उसकी ऑडियंस है तो कुछ तो सही कर रहा है ना. लेकिन अगर ऑडियंस नहीं है तो कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो जितना भी सही कर रहा हो. अपने आप को जितना भी वो कहे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता अपनी म्यूज़िक से, चाहे मेरे कोई ना सुने, लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा है तो यानी कुछ गड़बड़ है. तो खैर, मैं ये नहीं कह, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ. कल मुझे शायद पता चले कि जितना मैंने सीखा था इसमें काफ़ी चीज़ें गलत थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए था. है बड़ा ट्रिकी पाथ, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे आप स्लिप हो सकते हैं. और अब इस सोशल मीडिया के साथ आज आप ऐसी कोई चीज़ कह दें, कल आपको सोशल मीडिया कैंसिल कर देता है. है ना, तो ये आप कुछ गलत कह दें, गलत पहन लें, आप बुरा गा दें, भाई मत सुनो गाना. पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, कहते हैं कि मतलब गालियों के साथ भाई, मतलब कि अब क्या है. तो बेचारे म्यूजिशियंस जो हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं एक जगह पहुंचने के लिए, तो या जो जिस तरह चल रहा है चल रहा है.
म्यूज़िक फेस्टिवल्स पाकिस्तान में एक ज़माने में तो होते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं, शायद कोविड से पहले फिर भी दो तीन हो रहे थे आई रिमेंबर. आपको लगता है कि वो एक रीज़न है म्यूज़िक इतना नहीं, एक ज़माना तो म्यूज़िक वॉज दी थिंग यू नो इन पाकिस्तान, वो चीज़ मुझे लगता है, मुझे लगता है वो फील नहीं आ पा रही है वो या मैं नहीं समझ पा रही हूँ. एक ज़माना कभी भी नहीं था, पाकिस्तान हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है. अगर दो साल बूम हुआ, अगर अगर आप कहें 90s में था वाइटल साइंस, तो खैर इतना जुनून आवाज़ ही लोग शोज करते थे, लेकिन अगर उस ज़माने आप लोगों से पूछें कि वो शोज शुरू होते थे, यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट्स भर के आते थे, गेट क्रैश होता था, लोग अंदर कूद जाते थे, पुलिस का लाठी चार्ज होता था, ये कॉन्सर्ट्स होते थे. यस, तो ये भी कोई कॉन्सर्ट्स होना हुआ है ना, मतलब कि जो आया है टिकट लेके वो भी नहीं इन्जॉय कर रहा, या कर रहा है तो चलो थोड़ा बहुत कर लिया. सॉल्ट आर्ट्स के अगर किसी ने कॉन्सर्ट्स देखे हैं, वो होते हैं कॉन्सर्ट्स, यानी उस तरह होने चाहिए. कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जो इवेंट्स होती हैं वो फिर भी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो टिकटेड पब्लिक के लिए इवेंट्स होती हैं वो कभी पाकिस्तान में उस तरह सही मैनेज नहीं हुई पुराने ज़माने में. नए ज़माने में फेस्टिवल्स होते हैं, अब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ये फेस्टिवल्स करती हैं, ये फिर भी अच्छे होते हैं इसमें. और ये रीसेंट है, ये रीसेंट है जो बीच में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया. कोविड से पहले तक अच्छा, सब कुछ अच्छा था थोड़ा. नहीं, वो भी एक रीसेंट बूम आया था जिसमें ये तीन साल उससे पहले तो बीच में बिल्कुल ड्राई पीरियड था, कुछ नहीं हो रहा. सो यू फील कि अगर इस तरह की फेस्टिवल्स और हों तो इट विल हेल्प पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री. देखें, ऑडियंस को ना इंगेज रखना बड़ा ज़रूरी है. दुनिया भर में जहाँ भी म्यूज़िक जो है बूम कर रही है इंडस्ट्री, वो इसीलिए कि उसके पास ऑडियंस है. जो हमारे कॉर्पोरेट शोज़ हैं, जो टेलीविज़न पे आते हैं, स्पॉन्सर्ड शोज़ हैं, उनका एक फ़ायदा हमेशा से ये रहा है कि उन्होंने जो ऑडियंस है उसमें उसको इंगेज रखा है. कि कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, फेस्टिवल्स नहीं हो रहे, लेकिन टीवी पे म्यूज़िक नज़र आ रही है लोगों को, और इतना पैसा भी पीछे लगा रहे हैं वो लोग कि उस म्यूज़िक को पुश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सब जगह पहुंच रही वो म्यूज़िक. अगर ये कॉर्पोरेट यू नो स्पॉन्सर्ड शोज़ भी ना हो और इवेंट्स भी ना हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ. व्हिच इज़ सच अ सैड एंड स्केरी थिंग, यू नो. तो कोक स्टूडियो बात करें थोड़ी सी, हल्की फुल्की सी. कैसा था एक्सपीरियंस, चैलेंज क्या था आप लोगों का जब आप लोगों ने लिया? तो चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि रोहेल हयात के बाद हम आ रहे थे. जो काम रोहेल ने किया था उसके बाद कुछ भी करना, मतलब कि हमारे हाथ पैर कांप रहे थे. लेकिन हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करना है, कोक स्टूडियो को एक लाइवली, हैप्पियर, ब्राइटर, कलरफुल स्पेस बनाना है. बहुत सारे जॉनर्स थे जो कि नहीं अभी तक आए थे इस शो में, जैसे शादी के गाने हैं, फिल्मों के गाने हैं, ये सब चीज़ें. बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो अभी तक नहीं आए थे, फिल्म के म्यूजिशंस थे जो कि पाकिस्तान के टॉप क्लास म्यूजिशंस हैं, वो अभी तक नहीं आए थे. तो हमने कहा हम इस शो को एक बहुत बड़ी म्यूज़िकल फैमिली बनाएंगे जहाँ पे सब चीज़ें हो रही होंगी. और ये हमारा एम था, और जो कि मेरे ख्याल से उसी तरह लोगों ने एक्सेप्ट किया जो हमने प्लान किया था. हुआ, बिल्कुल हुआ, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि कोक स्टूडियो में जो आप लोगों ने इतनी चीज़ें की वो उस तरह रिकग्निशन नहीं कर पाई जिस मे बी जो वो डिज़र्व करती थी. द फैक्ट के राहत साहब को और आबदा परवीन साहिबा को आप लोग साथ लेकर आए फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और जो मैं आपका सुन भी रही थी कि वो एक टेक में आपने करना था, उसकी कोई रिहर्सल कुछ नहीं था, तो उसकी मार्केटिंग इतनी नहीं हुई, उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आप सही जानती नहीं, बिला वजह सैड हो रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है. ओके, ठीक है. जो हमारे चार साल थे वो कोक स्टूडियो के मोस्ट वॉच्ड चार साल थे. यानी उन चार सालों ने
सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. एक वक्त था मेरे ख्याल से सीज़न 9 के शुरू में कि यूट्यूब का रिकॉर्ड था कि मोस्ट वॉच्ड म्यूज़िक प्रोग्राम ऑन यूट्यूब दुनिया भर में जहाँ भी. तो वो कोक स्टूडियो था. ओके. कोक स्टूडियो पाकिस्तान. ओके. वाह माशाल्लाह. तो अच्छा आबदा परवीन और राहत फ़तेह अली वो हमारा सीज़न 7 था. जी. और सीज़न 7 का सबसे बड़ा गाना था शायद वो. मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ मैं. हाँ और क्या था उस सीज़न 7 में. सजाद अली का तुम नाराज़ हो था. तुम नाराज़ तो पहला आप लोगों का गाना था जो आप लोगों ने जिस पे अमजद साबरी और राहत साहब को भी आप साथ लेकर आए. आबदा परवीन साहिबा और राहत फ़तेह अली इन दोनों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं था. नहीं. फिर रईस खान साहब और आबदा परवीन साहिबा को जी साथ लाना. या राहत फ़तेह अली और अमजद साबरी साहब को साथ लाना. अच्छा अब आप इसमें ये देखें कि राहत फ़तेह अली हर उस एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ थे जो हम करना चाहते थे. यानी वो हर वक्त तैयार थे. कहते हैं करो 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 करो. तो उस तरह के लोग हमें हमेशा हमारे लिए काम आए. एक जगह काफ़ी उनको नेगेटिव फीडबैक मिली. वो भी तैयार हो गए थे सयोनी गाने के लिए. यानी बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स काम करते हैं बाज़ दफ़ा नहीं करते हैं. सही बात है. तो वो काम नहीं किया वरना बाकी तो वो जैसे अमजद साबरी और राहत जब गा रहे थे तो ये दो अलग अलग तरीके हैं दो ख़ानदानों के. दो तरीके हैं गाने के रंग के. और बात ये थी कि क्या किस तरह गाएं. तो हमने सोचा कि आप जिस तरह गाते हैं आप उस तरह गाएं आप जिस तरह गाते हैं उस तरह गाएं और म्यूज़िकली हम उसको मिला देंगे. तो उनके अल्फाज अपने घराने के थे इनके जो लफ्ज़ थे वो अपने घराने के थे. तो वो बड़े मज़े का एक्सपेरिमेंट था. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. ओके. आई एम स्कैर्ड. आपको क्यों लगता है कि वो रिकग्निशन और रिएक्शन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. ऑनेस्ट आंसर. ज़ाहिर बात. ओके. आपके जो मैंने इंटरव्यू सुने उससे मुझे लगा कि कहीं सुने और कुछ पढ़े तो मुझे उससे लगा कहीं शिकवा है थोड़ा सा आपके दिल में. तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा. नहीं वो एक ये बात है. दूसरा ये कि मुझे और ये मेरी कोताही हो सकती है उसमें आपका इसमें नहीं है कि मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का. ये फैक्ट्स मुझे मतलब मैंने सुने हुए ये चीज़ें बट ये फैक्ट्स मुझे इस तरह हिट नहीं किए. देखिए एक चीज़ होती है ना एडवर्टाइजिंग से अगर अगेन मैं आई एम काइंड ऑफ लिटिल स्केयर्ड ऑफ सेइंग थिंग्स बिकॉज आप काफ़ी उससे कि एक चीज़ सामने है लेकिन उस चीज़ को फिर बढ़ा के या बताना कि भाई देखो ये चीज़ हो रही है. सो यू नो कि हम सुन तो रहे हैं बट मे बी 50% को नहीं ये हिट किया हो कि ओ वाओ ये दो आइकॉनिक फिगर्स पहली बार गा रहे हैं एंड जिन्होंने किया है. मतलब आबदा परवीन साहबा से ये कहना कि आप आएँ और करें और उनको लेकर आना ये बड़ी एक प्रोसेस हुआ होगा जिससे होगा चैलेंज होगा. इट वॉज नॉट ईजी. तो ये अब मैं सोचती हूँ तो मैं कह रही हूँ ओ वाओ उस वक्त शायद मुझे ये चीज़ एज वाओ नहीं हिट की. तो ये रीजन्स थे कि ये सवाल निकला और ये सवाल मैंने पूछा. हाँ तो अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यू सुने होंगे तो उसमें मैं हमेशा जो नेगेटिव साइड होती है ना मैं उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस करना चाहता हूँ. ओके. बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करता हूँ. उसे फैसल कहता था तुम क्यों कहते हो ये कि जब यानी जब बुराई होती थी गानों पे जी. तो वो स्ट्रिंग्स ने कभी उससे पहले अपने गानों पे कभी भी नहीं सुनी जी. यानी हमारे फैंस से कभी बुराई नहीं करते थे हमारे गानों. लेकिन जब कोक स्टूडियो हमने किया तो उसमें ऑब्वियसली जो स्पेक्ट्रम है ऑडियंस का वो बहुत वाइड हो गया. अब आपको पाकिस्तान के हर आदमी को कैटर करना है. अगर किसी को ये रंग पसंद आया अमजद साबरी और राहत का किसी को नहीं आया, नहीं आया. तो यानी जो नहीं आया तो वो बुराई करेगा. True. और उसके बुराई को फिर लोग और फॉलो करेंगे. हाँ फला कोई तारीफ करेगा तो फिर तारीफ. तो ये जो नेगेटिव फीडबैक थी ये स्ट्रिंग्स ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी थी. इससे पहले कभी हमने नेगेटिव नहीं देखी थी. तो अक्सर मैं इंटरव्यूज़ में कहता था कि मुझे उसकी आदत बनानी पड़ी और उसको इग्नोर करने की आदत बनानी पड़ी. ये चीज़ भी ज़िंदगी में है और आप इसको नहीं
मतलब कि आप इग्नोर नहीं कर, मतलब यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई मीन यू पिक अप व्हाटएवर यू वांट टू पिक अप फ्रॉम देयर. ओके थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग. तो शिकवा नहीं है इंडस्ट्री से या लोगों से कुछ भी कोक स्टूडियो के बारे में? आपने कहा, मैंने सुना कि बहुत से लोग, जब मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया था तो हम लोग कहा था कि हम इन लोगों को लेकर आएंगे जिनको हमें लगता है नहीं मिला, लेकिन बहुत से उनमें से वापस गए एंड उन्होंने आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें बोली जिसको आपको, तो उससे भी मुझे लगा कि कहीं अफसोस हुआ आपको इस बात का. हाँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो बिहाइंड द सीन्स वाली बात है, ये तो होता ही है म्यूज़िक इंडस्ट्री में. यहाँ तीन म्यूजिशियंस बैठेंगे तो चौथे की बुराई करेंगे, फिर वो चौथा आ जाएगा तो वो पांचवी की बुराई करेंगे. ऐसी चीज़ें होती हैं. हम बिल्कुल एक अपने ही क्लोज एनवायरनमेंट में बड़े हुए, स्ट्रिंग्स की बात कर रहा हूँ. हमारे कभी दोस्तियाँ उस तरह म्यूजिशियंस से और लोगों से नहीं रहीं. हम अपने एक स्पेस में काम करके बड़े हुए. अब ये जब हुआ, जब हम पूरे उस लॉट के बीच में आए, तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझाने में भी और ट्यून करने में भी हमें टाइम लगा कि अच्छा ऐसा होता है. फिर हमने कहा कि अच्छा चीज़, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फोकस ऑन द वर्क. तो ये आइडिया किसका था कि आप द प्रवीण साहब और राहत को साहब को लेकर आएँ? किसका आइडिया था आप दोनों में से, या दोनों को साथ आया, बस डिस्कशन हो रही थी? डिस्कशन में ही निकला था. चैलेंज हुआ था उसमें, टाइम लगा कन्विंस करने में या क्या? नहीं, दोनों तैयार थे. ओके, दोनों तैयार थे. सो नाइस टू हियर. लिप्टन, अभी आपने दोबारा, इतना आइकॉनिक जिंगल है वो, उसको दोबारा आपने किया है, तो क्या जहन में आ रहा था कि आप टच कर रहे हैं इसे? क्या कंसिडरेशंस थी आपके लिए, क्या चैलेंज था? मैंने, आपने अगर मेरी इंस्टाग्राम देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो पीटीवी के जितने पुराने जिंगल्स हैं उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरे साथ जी. यानी मैं अपनी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स नहीं, मोमेंट्स जो हैं वो जिंगल से ही कनेक्टेड हैं. यानी अगर मैं सुबह बिना का शाम बिना का दिमाग में आता है तो मुझे अपना अब्बा की वो सारी दिमाग में आती है, और वो गैराज में खड़ी हुई है. और अगर अम्मी न्यूनेट लाई हैं, अब हम भी न्यूनेट पहनेंगे, तो मुझे कितना पुराना, आपको सब याद है, तो मुझे लाहौर में मेरी खाला का घर याद आता है. ओके, तो इस तरह है. तो ये, और मैंने बहुत सारे जिंगल्स अपने उस पर इंस्टाग्राम पे गाए भी हैं पुराने. तो ये जब आया, ये तो बाप है सारे आइकॉनिक जिंगल्स का. तो मेरे लिए तो मतलब कि ड्रीम कम ट्रू थी. ओके, और मैं बहुत एक्साइटेड था. बट जब कंपोजिशन स्टार्ट की तो आप क्या सोच रहे थे? जैसे आपने बोला जो आप एड्स के नाम ले रहे हैं तो उसके साथ एक इमेज भी आपके जहन में आ रहा है कि अब्बू की वॉक्स वैगन और खाला का घर. तो लिप्टन चाय के साथ उस वक्त क्या आ रहा था, और फिर आपने उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया इस कॉन्सेप्ट में? अच्छा, स्ट्रेंजली इनफ, ये जब मैं बड़ा हो रहा था ये जिंगल मैंने कभी टीवी पे नहीं देखा, लेकिन किस तरह सुना है ये मुझे याद नहीं. अच्छा, कहीं ना कहीं शायद रेडियो पे कहीं. आपको याद है ना, शादियों पे होता था वो लड़की वाले लड़के वाले, वो भी बोलते थे, वो तो उनका एक एड था, वो भी था, लेकिन एक्चुअल भी हो रहा होता था. अच्छा, हमारी शादियों पे नहीं नहीं हुआ कभी. ओके सॉरी. तो लेकिन ये जब 95 में इसकी रीमेक हुई और जिंगल बना, तो उससे पहले बहुत सुना हुआ था ये. कहाँ सुना था ये नहीं पता. कभी टीवी पे दोबारा उन्होंने रिलीज किया हो, कहीं ना कहीं किया हो, लेकिन ये इंग्रेन तो था ना दिमाग में, बचपन से ही था. बिल्कुल. इनकी ब्रीफ थी कि इसको मॉडर्न बनाना है, इसको आजकल की जनरेशन के लिए रेलेवेंट बनाना है. अच्छा, अब इस जिंगल के साथ एक मसला ये है कि ना अब इसको कैसे आप रेलेवेंट बना सकते हैं, अनलेस कि आप इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, बीट चेंज कर दें, लेकिन उसको इस तरह चेंज करें कि उसकी ओरिजिनल मेलोडी का एसेंस भी ना ख़राब हो. अच्छा, तो वह चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन उमदा है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन दीजिए, लिप्टन पीजिए, ये ओरिजिनल था. फिर 95 में आया चाय चाहिए कौन सी जनाब,
निपनिंदा है लाजवाब, कल भी थी वो हिट आज भी नंबर वन, पता नहीं वो और कुछ थी ऐसा कुछ था, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अब आप कह रहे हो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, पहला वाला ज्यादा अच्छा था, पहला वाला जो ओरिजिनल था जो आइकॉनिक था वो मुझे कैची। जब ये 95 वाला देखा था तो मैंने कहा ये क्यों किया इन्होंने, इस तरह क्यों किया। और अब जब मुझे मिलाई करने को सोच रही हूं, तो सबसे पहली चीज मुझे गई कि जब मैंने उस वाले के साथ ये सोचा था कि आज कितने लोग मेरे वाले के साथ ये सोचेंगे, तो एक सॉलिड प्रेशर था, डर था, लेकिन इतना भी नहीं था क्योंकि ये कोई मैडम नूरजहां का गाना नहीं था या फरीदा खानम का गाना नहीं था, सही बात है, जिंगल ये था, ये सही बात जिंगल था, था। और एक फन जिंगल था और आपको उसको फन बनाना था, तो जो जो डायरेक्शन थी जो फोकस थी उस पर उस तरह टेंशन नहीं थी, एक प्रोसेस था जो कि मुझे पता था मैं बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ और मुझे उसके हर स्टेप पे हर मोमेंट पे मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। दैट्स नाइस। और आप वर यू इन्वॉल्व इन क्रिएटिव प्रोसेस, जो शूटिंग का आइडिया जो था उसमें यू इन्वॉल्व कि इसको ऐसे शूट करेंगे ऐसे करेंगे स्टोरी बोर्ड? इंटरेस्टिंगली इनफ जो एड्स बनते हैं इन लोगों के वो पहले आइडिया कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, स्टोरी बोर्ड बनते हैं, अप्रूव होते हैं और उसके बाद शूट होता है, फिर जिंगल बनता है। ओके, ये बिल्कुल उल्टा सिस्टम था। ये म्यूजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट था, तो इसमें म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो ये पहले जिंगल बनाए और जो प्रोडक्ट के जो यानी जो जो प्रोडक्ट वर्ल्ड है उसको हिसाब में रखते हुए ये जिंगल बना। यानी आप क्वालिटी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में खुश रहने की बात कर रहे हैं, वो चीज़ दिमाग में रखते हुए ये जिंगल बना। और फिर इसके ऊपर उन्होंने जितने विजुअल्स थे वो सोचा, उसको सोचा। फिर वो आपका ओरिजिनली आइडिया था कि आप भी होंगे उसमें या इनमें आया एकदम से कि वो, बिकॉज़ दैट वाज अ नाइस सरप्राइज के वो मेरे लिए भी सरप्राइज था। क्योंकि ये प्रोसेस के बीच में ही एक दिन फ़ोन आया कि आप इंटरेस्टेड होंगे इस में आने में, तो अब मुझे नहीं पता वो लोग पहले से सोच रहे थे नहीं सोच रहे थे, तो बट बिकॉज आई थिंक इट एड्स अ नाइस टच कि आप गा रहे हो फिर आप ऑडियंस हैं, तो आपको कैसा आ रहा है ऑडियंस रिएक्शन अब तक? बहुत सॉलिड आ रहा है। ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छा आ रहा है। कोई फैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं जो हुआ हो, क्रेजीएस्ट जो याद हो, रीसेंट पुराना कोई भी, या शुरू शुरू के दिनों का? हाँ, एक्चुअली शुरू शुरू के तो पहली बार जब किसी ने पहचाना तब क्या हुआ था, क्या किस्सा था वो? एक तो बहुत सॉलिड पहचाना था। अच्छा, हम लोग थे इंडिया में, ये है 89 की बात, और दूरदर्शन पे PTV आता था, यानी वो जो यानी सब डिश को एंटीना को हिला के, तो म्यूज़िक चैनल वहाँ पे देखते थे लोग, और हमारे दो गाने आए थे उस वक्त म्यूज़िक चैनल पे। ओके, और मैं, मेरी बहन, अम्मी, अब्बू, हम लोग फैमिली ट्रिप पे इंडिया गए थे। हम थे आगरा में, और आगरा में स्कूल की बच्चियों का एक ग्रुप आया हुआ था। ओके, और वो कोई 30-40 बच्चियां थीं, और उन्होंने पहचान लिया था। ओके, जो कि मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। आगरा में स्कूल की बच्चियां, और तो वो पाकिस्तानी टीवी की वो रीच थी। सो क्रेजी हो गई। दो गाने देखे थे उस जमाने में, इंडिया में भी एक ही चैनल होता दूरदर्शन, तो उनको भी पाकिस्तानी टीवी देखना होता था, हमको लाहौर में वो सब देखते थे, गीत माला देखते थे, चित्रहार भी आता, चित्रहार वो ही। सो ओके, सो इस अब आजकल कोई रीसेंट है जो आप अब वैसे फैंस भी कैसे चेंज हुए? डू यू सी अ चेंज इन योर फैन? एक्चुअली स्ट्रिंग्स के फैंस जो है ना बड़े यूनिक फैंस हैं, वो हमेशा एक तो एज ग्रुप इतना वेरी करता है। यस, यानी अगर आप फ़ैन होंगे तो शायद आपकी अम्मा भी फ़ैन होंगी, और फिर जो बच्चे इस वक्त समझे 10-12 साल के हैं, जिन्होंने सोनिए सुना है या ये सजनी सुना है, वो भी फ़ैन है। हाँ, वो भी फ़ैन है। अम्माएँ बच्चे लेके आती हैं कि ये सजनी पूरे दिन गाता रहता है, तो
यानी एज ग्रुप की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। हाँ तो एक, लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट था, अजीब सा। मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था और पीछे एक पुरानी पजेरो थी, शायद 86-87 टाइप की, वो आ रही थी तेज़ और उसने आके मेरी गाड़ी को मारा, बम्पर गिरा दिया। मैं गुस्से में गया और बहुत तेज़ आ रहे थे वो, तो जब मैं उनके दरवाजे के पास गया तो उन्होंने शीशा खोला, कहते सर आपका ही गाना सुन रहा हूँ और अंदर गाना चल रहा था और मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा क्या करूँ, वैसे बड़ा सही बंदा था जो भी था, तो उसने कहा यार इस वक्त तो दैट्स क्यूट आल्सो। अच्छा आपके गाने माशाल्लाह से लंबी लिस्ट है, हर गाने के पीछे कोई कहानी होती है, कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही अपनी मर्जी से कोई भी दो या तीन गाने चूज कर लीजिए जो आपको पसंद है, एंड टेल अस द स्टोरी बिहाइंड इट। मैं तो देखूंगा। अच्छा मुंबई अटैक्स हुए थे 2008 में और उसके बाद स्ट्रिंग्स जो था पिछले 7 साल से 2000 से लेके 2008 तक, 8 साल से हम इंडिया इस तरह जा रहे थे कि महीने में 3 दफ़ा जाते थे इस तरह नॉन स्टॉप। मुंबई अटैक्स के बाद वो चैनल बिल्कुल बंद हो गया और एकदम से हमारा फोकस जो है ना पाकिस्तान पे आया और हमने कहा कि मतलब हमारी अपनी गलती भी थी कि हमने बिल्कुल आंखें बंद की हुई थी इस साइड से और म्यूज़िक को लेके, म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेके उस ज़माने में जो चैनल्स थे अगर आपको याद हो आग टीवी, द म्यूज़िक, उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। आग टीवी उसके गाने नहीं चला रहा था और द म्यूज़िक आग के गाने नहीं चला रहा था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था मेजर किस्म का मुल्क में, सब चीज़ें बुरी थी। तो मैंने गाना लिखना शुरू किया, मैंने कहा मैं अपने बच्चों के लिए एक गाना लिखता हूँ और दिमाग में ना लग रहा था कि हर चीज़ ब्लीक नज़र आ रही थी, कुछ आगे है नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कहता कि हम होप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर ज़िंदगी में होप ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। सही बात है। तो मैंने सोचा था जैसे कि लोरी होगी क्या होगा, मैं एक छोटी सी लोरी लिखना शुरू की थी, तो वो उसके दो लफ्ज़ पहले शुरू किए, मैं तो देखूँगा, मैं तो देखूँगा, तुम भी देखोगे। तो और ये बढ़ते 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 ये मुझे कोई 1.5 साल लगा इस गाने को लिखते हुए, क्योंकि और चीज़ें हम कर रहे थे लेकिन बीच बीच में जब मुझे मौका मिलता था मैं इसको कंप्लीट करता था, और 1-1.5 साल के बाद जब ये कंप्लीट हुआ तो ये उस शेप में था कि हमने कहा कि नहीं इसको हमें एक गाने की तरह, एक एंथम की तरह रिलीज़ करना ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स वन स्टोरी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, एनी अदर सॉन्ग? धानी की रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग मरी मैम ने गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था, एक्चुअली मेरे बीवी के अब्बा की कंपनी का था, तो हमने वहाँ पे हम ठहरे हुए थे, हमने 15 दिन हमने जाके सारे गाने सीक्वेंस किए, सब कुछ किया, 8 गाने थे। और फैसल को मैंने अगेन एक गाना सुनाया कि ना 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 ना, सिर्फ इतना पार्ट था, मेरा बिछड़ा यार। तो मैं कहा फैसल ये भी कर लेते हैं, तो ऐसी हो गई बात खत्म, नहीं नहीं ठीक है ये 8 काफ़ी हैं ये वो। ओके, हम वो रिकॉर्डिंग करके आए कराची और फिर उसके बाद मैंने फैसल से कहा कि ये 2 गाने मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, और वो सोनिया थे और बिछड़ा यार था। अब वो हमने कराची आके रिकॉर्ड किए, वो जो जो इनिशियल लाइनअप में नहीं थे आगे और वो दोनों कितने, वो भी माशाल्लाह से बहुत दे वर ग्रेट सॉन्ग्स, यू नो। सर कि ये पहाड़ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, वो कैसे ख्याल आया आपको लिखने, जब लिख रहे थे आप? जिनसे शादी करनी थी उन्हीं के लिए लिखा। अच्छा, तो ये उस वक्त वो चैलेंज जो थे ये बात नहीं पता थी आई थिंक हम में से किसी को। और सर की ये पहाड़ के वीडियो में
जहाँ मैं गा रहा हूँ और पीछे जो शेल्स नज़र आ रही हैं, एक क्रोमा किया हुआ है, पीछे सीपियाँ हैं बहुत सारी, वो सीपियाँ टीना का ही कलेक्शन था। उसे नहीं पता था कि मैं क्यों मांगने गया हूँ उसे घर से। मैंने कहा मुझे कुछ सीपियाँ चाहिए तुम्हारी, तो फिर उसने सीपियाँ दी, मैंने चूज़ की। फिर हम लोग एक प्रोविजन, एक स्टूडियो होता था यहाँ पे, वहाँ गए, वो मेरे क्रोमा में पीछे लगाई। वाओ, बड़े रोमांटिक इंसान है भैया आप। तो कुछ ऐसे जेस्चर्स होते रहते हैं वैसे भी, फूल लाना, सरप्राइज या नहीं? नहीं अब नहीं। उस पर क्या किया पटाने के लिए, कोई एक किस्सा सुनाए। गाना कौन सा गाया आपने उनके लिए कभी? उनको कभी गानों ने इम्प्रेस नहीं किया। ओके, तो फिर क्या करके इम्प्रेस किया? उनको, मैं इतना अच्छा इंसान था वहाँ से। ओके, बिलाल साइड की गली से निकल गए। आपके बच्चों में से कोई नहीं आया इस फील्ड में, और आर दे प्लानिंग टू? लेकिन अभी नहीं है। नहीं, एक बच्चा आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग कर रहा है। ओके, और एक ने अभी ए लेवल्स किया है, तो म्यूज़िक में अभी सब बजाते हैं, गाते हैं, बट ऐसा क्लियर अभी इंडिकेशन नहीं। एंड आप, आई मीन, जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं, जो मैंने सुना है आपके फादर की और आपकी, वो बड़े मज़े की रिलेशनशिप है, बड़े वो चिल किस्म के। तो आप भी वैसे ही फादर हैं या आप डिफरेंट हैं? मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाता हूँ। ओके, इन द सेंस के अब्बा ने आज तक कभी ज़ोर से बात नहीं की मुझसे, कभी डांटा नहीं। अगर नाराज़ भी होते हैं तो बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते हैं, और मुझे पता चल जाता है कि ये खुश नहीं हुए इस बात से। ओके, लेकिन मैं जो सोचता हूँ मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ना ना फना फना या जो भी। तो उस तरह मैं थोड़ा सा सख्त हूँ, लेकिन दोस्त हूँ। हाँ, डेफिनेटली अच्छा दोस्त हूँ। अब मैं मकसूद साहब के बारे में आपसे बात करी हूँ तो कैसे हो सकता है कि नहीं बात करूँ? तो व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट हिम, क्या चीज़ें आपने उनसे पिक की हैं अपनी ज़िंदगी में? मैंने उनसे कुछ पिक नहीं किया, कुछ नहीं पिक किया। वो खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, मैं नहीं पका सकता। वो लिखते बहुत अच्छे हैं, मैं लिख नहीं सकता। उनकी बहुत दोस्तियाँ हैं जो सालों से निभा रहे हैं लोगों से, मेरा कोई दोस्त नहीं है। Okay. मैंने वो भी नहीं सीखा उनसे। वो किसी को मना नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए वो किसी को मना नहीं कर सकते। अभी US जा रहे हैं थोड़े दिनों में किसी फंड रेजिंग के लिए, थके हुए हैं, मतलब कि उनको सोच के परेशानी हो रही है कि मुझे इतना ट्रैवल करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा बा मना कर दें, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छे लोग हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो मना नहीं कर सकते। मैं खट मना कर देता हूँ। ओके, वो तो मुझे अंदाज़ा है, एक शेयर करूँ किस बात आपने मना किया है? अच्छा, हाँ हाँ, मैं वही ना, मैं मना कर देता हूँ खट से। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या, मैंने भी ओके करके सैड सा फेस बना दिया। मैंने गाने की रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था प्लीज़ गिटार लेते हैं, कहा नो 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 सिंगिंग टुडे। मैंने कहा ओके चलें। और सबको पता है कि राबिया को कितना शौक है कि गेस्ट को आया हो। और फिर मैंने, अच्छा मैं अपना सोच के बैठी हूँ कि मैं बिलाल से बोलूँगी मेरे लिए एक स्पेशल ये वाला प्लीज़, बट देखें चलें शायद कभी वो दिन भी आ जाए नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह। कोई एक बात जो आपके फादर ने आपको कही हो, जो आपको लगता है कि वो आपकी तारीफ़ है, या कोई ऐसा जज्बाती मोमेंट, या वो आपके लिए बड़ी वैल्यू रखती है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपके काम के बारे में, आपके किसी भी चीज़ के बारे में आके कुछ बोला हो या कुछ एक्शन किया हो? मुझे लग रहा है कोई बहुत ही नॉन सीरियस सा जवाब आएगा मेरे इतने जज्बाती सवाल के। उस नहीं, अभी ये लिप्टन के ऐड पे जब उन्होंने देखा, तुम्हें तो मैं बड़ा सीरियस इंसान समझता था। okay. ये तुम जो कर रहे हो ये कहाँ कब से हो गया? तो मैंने कहा पा क्या बुरा है, अच्छा ये तो बताएं। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा, अच्छा है। okay. तो लेकिन ये चीज उनको भी लगा था, ये जो ये कर रहे हो तुम, ये कब से हो गया। बट दैट्स सो मच लाइक हिम टू कम एंड से समथिंग लाइक दैट। आपने कहा कि हम लोग, बहुत से लोग होते हैं वो आर्ट, वो कहते हैं कि आर्ट बनाओ फॉर द सेक ऑफ आर्ट, बट कभी कभी म्यूजिक में, म्यूजिक क्रिएट करना है एक फन के लिए, जस्ट टू क्रिएट अ पॉप कल्चर,
सो अगर आपको याद हो कि आपने ये पॉप कल्चर से रिलेटेड बात की थी कि हम लोग पॉप कल्चर ही नहीं क्रिएट होने दे रहे पाकिस्तान में क्योंकि हम अपने यूथ को सिर्फ सूफी गाने या क्लासिकल उस पर जा रहे हैं एंड एवरी थिंग एंड विद फ्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आपने ये कोशिश की कि नहीं मैं उनको बस आई जस्ट वॉन्ट देम टू हैव फन वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग्स और फिर आपने उसमें बट आई डोंट वांट टू टेल द होल स्टोरी आप बताएं आपने ये अच्छा ये जो आप बात कर रही हैं वो ये था कि पॉप कल्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉप म्यूज़िक की बात हो रही हो पॉप कल्चर अगर आप दुनिया भर में देखें जो सिनेमा के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं उनकी टी शर्ट्स हैं कार्टून्स हैं या कोई बहुत ही मेजर आर्ट अगर आप एंडी वॉरहॉल के ये सब पॉप कल्चर है okay. ये उस मुल्क का पॉप कल्चर है इंडिया का पॉप कल्चर जो है वो बॉलीवुड है सिनेमा यानी जितेंद्र के सफ़ेद जूते एक ज़माने में इंडिया का पॉप कल्चर था तो आजकल वहाँ के जो कपड़े हैं जो डांसेस हैं वो वहाँ का पॉप कल्चर है अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें फुटबॉल और डांस उनका पॉप कल्चर है किसी मुल्क का जो पॉप कल्चर में उनकी क्विजीन भी आती है खाने हैं बर्गर जो है वो एक पॉप कल्चर का पार्ट है पॉपुलर कल्चर जी उससे पॉप तो हाँ तो म्यूज़िक जो है उसी के अंदर आ जाती है पाकिस्तान में एक ज़माने में पॉप कल्चर क्रिएट हो रहा था जब हम अर्ली 90s लेट 80s की बात करते हैं पेप्सी ने क्रिकेट एंड म्यूज़िक जब उन दोनों को साथ लेके आए थे इमरान खान वाइटल साइंस वसीम अकरम तो उस ज़माने में यूथ को एक आइकॉन्स नज़र आ रहे थे एक डायरेक्शन नज़र आ रहा था कि हाँ हम रिलेट कर सकते हैं इन लोगों से ये हम हैं हम ये हैं ये पाकिस्तान है वो चीज़ बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई यू नो पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना हो गया मुल्क में म्यूज़िक ख़त्म हो गई चीज़ें ख़त्म हो गई स्पोर्ट्स ख़त्म होता गया ना हॉकी रही ना क्रिकेट रहा इतने बुरे पैच से गुजरे हम फिर जब कोक स्टूडियो आया तो फिर एक रिलीफ आई कि ये कैसी म्यूज़िक है और सारे लोग सब कोक स्टूडियो की तरफ जाना शुरू हो गए और उस ज़माने में अगर आप किसी यंगस्टर से बात करें तो सिर्फ कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो तो वो पॉपुलर कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया कोक स्टूडियो लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अगले समझें 10-12 सालों में कोक स्टूडियो की वजह से सिर्फ फ्यूजन पॉप फ्यूजन क्लासिकल कव्वाली सूफ़ी वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो बच्चे बड़े हो रहे थे 2005 में समझे जो बच्चा पैदा हुआ जो 15 साल का 2020 में था उसने पाकिस्तान की पॉप म्यूज़िक सुनी नहीं थी उसने सिर्फ ये फ्यूजन म्यूज़िक सुनी थी उसके पास था ही नहीं सुना कोई। उसके पास कुछ नहीं था तो मैं ये कह रहा था कि वो पॉप कल्चर जो 80s और 90s में हम क्रिएट कर रहे थे जो फिर लूज़ आउट कर गया फिर कोक स्टूडियो की वजह से कुछ शुरू हुआ फिर ख़त्म हो गया तो वो हमें वापस लाना है जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पॉपुलर म्यूज़िक है पॉप म्यूज़िक है तो वो मेरा डायरेक्शन था जो मैंने वीलो साउंड स्टेशन किया था नहीं आई रियली लव्ड व्हाट यू सेड जब मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम सोचते नहीं इस तरीके से और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक ज़माना था जब वो जैकेट्स आती थी किसी एक बैंड की तो सारे लड़कों ने वो पहनी होती थी इवन लड़की वो मुझे याद है वो रजिस्टर्स होते थे ना या वो होते थे उनके पीछे वो पिक्चर्स भी बनी होती थी यू नो वो वाले लेके जाते थे फोल्डर्स रजिस्टर्स के लिए फोल्डर्स तो लेकिन अब हमें ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती आप कराची किसी बुक स्टोर पर चले जाएं तो वो पोल्का डॉट्स बने हुए हैं या वो लाइनें बनी है बर्ड्स नहीं आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया तो ये बात मुझे इतनी हिट की जो मैं पढ़ी थी बट मैंने आपके किसी इंटरव्यू में नहीं सुनी थी आई वॉन्टेड के अल्लाह करे कि सुने बहुत से लोग ताकि समझ आए म्यूजिशियंस को भी यू नो आर्टिस्ट को भी कि हमें ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो आप बात कर रहे हैं यू नो So that's why I asked you question. Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया थैंक यू नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला और इतना टाइम दे के मेरे सारे सवालों के जवाब भी दिए आई एम रियली ऑनर्ड एंड रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट बस आपने गाना नहीं गाया बट वो नेक्स्ट टाइम चलें मैं दोबारा कोशिश करूँगी जब हम आपको इन्वाइट करेंगे वैसे आपने गुनगुना तो दिया है
पता है ना आपको, तो काइंड ऑफ 50% हो गया है. ठीक है, थैंक यू सो मच विराट, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया.